19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में शहीद हो गए। जो तस्वीर दिख रही है उसमें कैप्टन अंशुमान सिंह के तस्वीर पर माला पड़ा है और उस शहादत को तकरीबन अब एक साल होने जा रहा है। उनके परिवार के लोग, उनके पिता और उनकी माँ दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं। अंशुमान सिंह को गए तकरीबन एक साल हो गए, पर आज एक अलग विषय पर चर्चा शुरू हो गई है। नेक्स्ट टू किन का एक जो विषय है वो शुरू हुआ है, पर आज एबीपी अपने लोगों के लिए अंशुमान सिंह से जुड़े हुए वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम तथ्य, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो लेकर के आ रहा है। अंशुमान सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अंशुमान सिंह के बारे में हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। आपका बेटा कब आर्मी में गया, उसके पहले कहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, क्या पूरी कहानी रही, अपने बेटे के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, मेरा बेटा 2008 में मिलिट्री स्कूल चैल में उसका चयन हुआ था, वहाँ गया पढ़ने के लिए। तो 2014 में हम उसको 14 मार्च में उसको विड्रा करके 11th में ले आए। जब उसने कहा कि डैडी यहाँ पे 90+ नहीं मिल सकता, हमने कहा क्यों, तो बोला जो कंसेप्ट में किस क्लास में चले गए थे, 5th 6th क्लास, 11 साल के थे। तो 12th से एक साल पहले मैंने 11th में उनको विड्रा करके लाया उनको, इसलिए कि उन्होंने कहा कि डैडी यहाँ पे मोर देन 90 नहीं मिल सकता। मैं बोला क्यों, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम किससे पूछेंगे, कोई ट्यूशन या कुछ भी है नहीं। तो हम उनको विड्रा करके लाए यहाँ कपूरथला, मेरी पोस्टिंग थी कपूरथला। आप भी आर्मी में रहे? जी। तो मैं कपूरथला आर्मी में, कहाँ रहे? जी, मैं कपूरथला में, जिस समय में था। अच्छा। तो उसमें हम ले आए और आनंद पब्लिक स्कूल में कपूरथला में इनका 12th में एडमिशन कराया। तो चूंकि इनके लिए परेशानी थी कि मैथ और बायोलॉजी दोनों कोर सब्जेक्ट था, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये इनके 5 सब्जेक्ट थे। तो कोई स्कूल ये लेने के लिए तैयार नहीं था, वो कहता था या तो हम मैथ में लेंगे या बायो में लेंगे। उस स्कूल के एक वाइस प्रिंसिपल थे मैथ के, बड़े अच्छे थे, दीपक करके उनका कुछ नाम था। तो उन्होंने जब मेरे बेटे से बात किया और मैथ मेरे बेटे का सबसे कोर सब्जेक्ट था, उसके अगर एक्सपर्टीज देखी, तो उन्होंने बींग वाइस प्रिंसिपल इनका एडमिशन किया और कहा कि आपको हम एडमिशन तो किसी सेक्शन में कर देंगे लेकिन आपको एक अपने क्लास बदलने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। तो वो पूरा 12th जो है 2 कक्षाओं में पढ़ते रहे, बायोलॉजी किसी और में और मैथ किसी और में, फिर उनका पूरा हुआ। और उसके बाद ये फिर उसी साल 2012 में, जिस साल 2015 में इनका जो 12th पूरा हुआ था आनंद पब्लिक स्कूल से, तो उसी आनंद पब्लिक स्कूल से 12th पूरा करने के साथ इनका ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में चयन हुआ और इनका मैथ होने के कारण IIT में यानी JEE एडवांस में इनका सिलेक्शन हुआ, जिसका इनका रैंकिंग था 18725। अच्छा। उसके पहले JEE मेन के तौर पे, JEE मेन का रिजल्ट पहले आता है फिर JEE एडवांस में जाते हैं, तो JEE मेन के रैंक के आधार पे इनको हमने जो भरा था, तो NIT जलंधर में इनको केमिकल इंजीनियर मिला, मैंने एडमिशन इनका कराया। उसके बाद उस साल AIPMT कैंसिल हुआ था, फिर दोबारा हुआ। तो जिस दिन AIPMT का दूसरी बार एग्जाम हो रहा था उसी दिन इंजीनियरिंग का सीट का एक्सेप्ट करना था, ये बोल रहे थे डैडी छोड़ देते हैं कि मेरे 500+ नंबर आएंगे। मामला कोई बात नहीं, पहले वहीं जाके सीट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हम घर गए तो इनका एडमिशन करा दिया। फिर सितंबर में इनका राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में 15 सितंबर को हमने एडमिशन कराया, जो कि 15% ऑल इंडिया कोटे से इनको मिला था। मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट जो राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान का रांची का है। उसके बाद फिर मैं गया, जो इनका इंटरव्यू था वहाँ पे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, उस इंटरव्यू और मेडिकल के बाद जब ये क्वालिफाई हुए और वहाँ उनका मेडिकल के बाद जो रिजल्ट आया था तो वो ऑल इंडिया में इनकी 30 रैंकिंग थी। अच्छा। तो उस एडमिशन के बाद फिर हम गए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ से इनके सर्टिफिकेट्स लिए और मैं घर आया और इनको बाई एयर भेजा, तो ये जा करके अपनी पढ़ाई की और वहाँ से इन्होंने MBBS अपना। एडमिशन कहाँ, मतलब कहाँ पे हुआ फिर एडमिशन इनका? इनका एडमिशन हुआ AFMC पुणे में और उससे पहले कराया था राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में MBBS का। अच्छा। और उससे पहले NIT जलंधर में केमिकल इंजीनियर में। अच्छा। तीनों जगह कराया था। अच्छा। 2015 पढ़ाई जो है पुणे ये करके हम लोगों ने हमने कहा कि आप बेहतर होगा कि डॉक्टर बने, तो उन्होंने माता पिता की इच्छा को शिरोधार्य किया और डॉक्टर बनने का ये किया। वरना आर्मी में IIT का सिलेक्शन होने के बाद IIT में MTech तो बहुत लोग बाद में कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम परसेंटेज है जो सिलेक्शन के बाद या IIT करने के बाद कोई आर्मी को ज्वाइन किया हो एज ए टेक्निकल इंजीनियर। तो ये आर्मी कब ज्वाइन किए? कब? ये आर्मी बस सितंबर 2015 में जा करके चले गए, तो कैडेट हो जाते हैं, फिर वहाँ गए और MBBS के बाद 19 मार्च 2020 को इनका कमीशन हुआ और हम लोग यहाँ 22 मार्च को पहुँचे थे। 23 को हम उनको पंजाब ले गए आगरा MH में, वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे और 23 को देश लाक हो गया था। तो इंटायर इंटर्नशिप में वो कभी छुट्टी नहीं आया, 365 दिन वो वहीं पे कोरोना में ट्रीट करते रहे और
दो ही यंग अफसर गए थे, तो हर दूसरे दिन इनका डीएमओ आता था, पहले एडीएमओ था जब वो थे, फिर उसके बाद डीएमओ, तो इन्होंने पूरी रिगोरस जो ट्रेनिंग है वो की। और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे हुई सर इनकी, मतलब 2020 में जब आपने कहा वो हो गया कमीशन, फिर ये कहाँ? उसके बाद आगरा गए इंटर्नशिप के लिए, चार साढ़े चार साल की एमबीबीएस के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, वो आगरा में, तो इंटर्नशिप मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में हुआ। अच्छा। वहीं पे फिर ये 19 फरवरी 2021 को कैप्टन बने। अच्छा। और उसके बाद ये आए थे मेडिकल अफसर बेसिक कोर्स के लिए यहाँ जुलाई में, जो कि सेप्टेम्बर में हुआ, और तब वो लखनऊ आए, लखनऊ में एएमसी सेंटर एंड स्कूल में, और उसके बाद यहाँ से करने के बाद वो 8 गढ़वाल राइफल के आरएमओ बन के पहली बार बालनवी बटालियन में गए, जो पुंछ में है। अच्छा, वो कब गए, किस ईयर में, किस डेट को? 21 अक्टूबर में गए थे, ये 2021 में एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। अच्छा। मतलब पोस्टिंग तो उनकी सितंबर में हो गई थी, लेकिन एक महीने कहाँ पोस्टिंग, और कहाँ कहाँ पोस्टिंग, उसके बाद वहीं पे 3 साल की उनकी पोस्टिंग थी, फिर वहाँ पे 8 गढ़वाल चली गई, तो 26 मद्रास आई, तो मद्रास के आरएमओ बन गए, क्योंकि आरएमओ की पोस्टिंग वहाँ प्लेस पे होती है, यूनिटें आती और जाती रहती है इन्फेंट्री की। तो ये बालनोई बटालियन के आरएमओ बन के गए थे, तो जब गए थे तो उसमें 1 साल तक 8 गढ़वाल रही, उसके बाद वहाँ पे 26 मद्रास आई, उसके बाद ये उसी में बीच में 3 महीने के लिए गए थे अपना सेंट्रल ग्लेशियर के चंदन पोस्ट पे, जहाँ पे 403 फील्ड एम्बुलेंस के साथ, और वहाँ पे जो यूनिट तैनात थी वो थी 26 पंजाब रेजिमेंट। फिर ये सियाचिन कब गए? सियाचिन ये गए थे, इनको जाना नवंबर में था, लेकिन ये प्रीपोन्ड हो गया, और ये सियाचिन 9 जुलाई को ऊपर चढ़े थे, और 19 जुलाई को ये घटना हो गई थी। सियाचिन में आपके बेटे के साथ जो हुआ, उसके पहले मैं जाना चाहूँगा, ये 2020 में उनकी पढ़ाई पूरी हुई, फिर वो बाकी जगहों पे गए, ये जो आपके बेटे की शादी हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या आपके पीछे आपके बेटे ने क्या बताया, किससे उनको शादी करनी है, कब आप लोग राजी हुए? मुझे तो कुछ नहीं बताते थे, मैं तो बोलती थी मुझे डॉक्टर बहू चाहिए। अच्छा। हाँ, मुझे तो, मैं डॉक्टर बेटा बनाए हूँ, तो मुझे हाँ बोलते थे, अब ये बताएंगे। जी जी, बताए। एक्चुअल में वो जब गए थे तो हो सकता है कि इनकी, हम बड़े खुले दिल से बात करते थे, बाप बेटा, कभी ऐसा हमने वो रखा नहीं कि हम बाप बेटा हैं, मतलब कुछ भी बातों में किसी भी मौजू पे खुल के बात करते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में डाला कि हमने पूछा कि भाई कोई ऐसी लड़की है जिससे बाप, आपने पूछा ये? अरे जब वो एफएमसी गए तो मैं एक बार मिलने गया था, तो कोई लड़की है 2021 के आसपास? हाँ, मतलब 2021 के आसपास नहीं, ये उसी समय की बात है, 16 के में बाद में, हाँ, तो 16-17 में मैंने पूछा, तो एक लड़की वहाँ थी जो डॉक्टर इनके साथ थी, तो उसने हमारा पैर छुआ, तो हमने बोला ऐसा तो नहीं कि कोई संबंध चल रहा है भाई प्रेम वेम का, तो बताओ ऐसा? बोला नहीं नहीं दीदी, ऐसी नहीं है। तो हमने बोला कि नहीं, अगर कोई बात हो तो बताओ, तो उन्होंने बोला नहीं, तो उनके दोस्तों से पता चला कि कोई लड़की है जिससे ये बात करते हैं, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया हाँ हम गए थे तो एक लड़की है और हम बात करते हैं। कहाँ गए थे, कहाँ मिली? वहीं पे, मतलब पुणे में। अच्छा, पुणे में। तो इनकी खट्टी मीठी यादें थीं, और वो प्रेम की अपनी एक पराकाष्ठा है, रही होगी, और उसके बाद कभी ब्लॉक नंबर का ब्लॉक होना, कभी होना, लास्ट में मुझे दोस्तों ने बताया कि 1.5 साल से इनकी बातचीत नहीं चल रही थी, कितना संशय कितना गलत है, मैं तो दोस्तों के कदने पर कह सकता हूँ, और लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि जितने दिन छुट्टी आते थे घर रहते थे, और बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं, तो पता चल जाता है कि जब आप इंडल्ज होंगे फोन में ज्यादा, इधर उधर होगा, पता चल जाता है, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। ये कब पता चला कि वो स्मृति से प्यार करते हैं, स्मृति से शादी करना चाहते हैं? वो 2022 में उन्होंने सडन शादी की, खुद ही फोन करके बोला कि डैडी मैं अभी मई में चला जाऊंगा, उसमें पहले कहते थे 2025 में शादी उदी करेंगे, जब मैं पीजी कर लूंगा या पीजी में, जब पीस में आ जाऊंगा, तो सडन उन्होंने मुझसे कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं, जाना है वहाँ पे सियाचिन में भी, तो हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, तब उन्होंने कहा कि एक लड़की है डैडी और वो स्मृति नाम है, और मेरी एक बात स्मृति से पहले भी हुई थी। अच्छा। अब मुझे ईयर या डेट नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसके बीच में कभी हुई थी, तो लोग कहते थे कि इनकी दोस्त है, तो वहाँ इनका थोड़ा सा किसी बच्चे से बातचीत हुआ, तो मैंने कहा तुम कैसी दोस्त हो कि ये दूसरे बच्चे से बातचीत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करके बात हुई थी, तो उस समय उन्होंने कहा कि उस लड़की से ठीक है, मैंने बोला कि क्या आप समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? स्मृति बाय प्रोफेशन क्या करती थी उस समय? बाय प्रोफेशन स्मृति ने अपना बीटेक पूरा किया था NIT जालंधर से, सिविल इंजीनियर से। अच्छा। और इनका 20 में हुआ था, उनका 21 में, उसके बाद वो ICICI लोम्बार्ड में काम कर रही थी। अच्छा। तो ICICI लोम्बार्ड में जो भी है, मतलब मुझे पता चला कि ICICI लोम्बार्ड में अपना कहीं काम कर रही है, उसके पीछे किसी और के साथ भी काम कर रही थी, लेकिन उसका हमें पता नहीं था, तो जो उस समय पता चला कि वो लोम्बार्ड के साथ है, एसोसिएटेड है, तो हमने कहा कि बिल्कुल शादी कर लेते हैं, तो हमने कहा कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हें कास बाद में करना पड़े? बोला नहीं डैडी, हमने कहा ठीक है, उनके फादर से बात हुई, हम चंडीगढ़ गए,
अच्छा, जैसे चूंकि आज का जो परिवेश उसमें कोई इन बातों को बात नहीं करता, लेकिन क्या कास्ट सिस्टम जैसी कोई बात भी आप लोग के बीच में आई कि कौन सी कास्ट का है, क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो पहले ही कह रखा था कि हमारे बीच में कल्चर और कास्ट और क्रीड का कोई मतलब नहीं। मेरा बेटा जहाँ पसंद करेगा वहीं शादी करूँगा, मैं फॉर्म डिसाइडेड था पहले से, ऐसा कोई बात नहीं था। उसके बाद हम वहाँ गए, जाने के बाद हमने बात किया, जब वो शादी सेटल हो रही थी, सेटल मतलब कि डेट फाइनलाइज कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ दहेज बहुत चलता है क्या? हमने बोला एक रुपया भी आपको मुझे दहेज में नहीं चाहिए, और ना मैंने उनसे एक रुपया दहेज के तौर पर लिया। मैंने ये कहा था कि आपके पास अगर एक बोतल पानी होगा तो आप मुझे मत दीजिएगा, मेरे किसी भाई को दीजिए कि वो उसका ढक्कन खोले। हम सारे भाई, तीन हमारे चचा के लड़के हैं, चार हम भाई हैं, हम लोग उसको आराम से पी लेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है सातों भाई में, तो हम लोग उसको पी लेंगे और किसी को एहसास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो कहते रहे कि हम आपको कुछ यहाँ पे, जैसे एक बेड हो गया या कुछ एसी ओसी, हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। तो इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया उनकी मम्मी को कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए। तो लिहाजा जब हम बारात पूरी धूमधाम से सजा के गए और हमने शादी किया, शादी करने के बाद जो है वो 10 फरवरी को शादी थी, मेरी बहू आई 2023 और बड़े शान से आई, और भाईयर आई थी, और चूंकि भाईयर में लेके क्या आएंगे, तो जिसके कारण कुछ भी रहा हो, मतलब मैं वो एक तौलिया भी नहीं लेके आया, मुझे बहुत फक्र था कि मैंने इतने लेवल पे पहुंचने के बाद अपने बेटे को और ऐसी शादी किया जिसके लोग लोग तरसते हैं, या हमारे इस समाज के अभिशप्त समाज में दहेज की इतनी बड़ी लालसा या बिपासा के साथ जीते हैं। हर एक माँ जब अपने बेटे की शादी करती है तमाम लालसा होती है, और उसके लिए बहू चुनना और तमाम अपनी चीज़ें होती हैं। जब अंशुमान ने ये सारी बातें आपको बताई, आपको पता चला स्मृति से शादी होने जा रही, आपकी क्या बातचीत हुई अंशुमान से, या किस तरीके की चीज़ें स्मृति को लेकर के रही अंशुमान? मैं एक बार भी नहीं पूछी कि किससे कर रहे हो, मैं यही पूछी कि कैसी है, सुंदर है ना मेरी बहू? तो बोला हाँ मम्मी ठीक ठाक है। तो मैं बोली नहीं मुझे फ़ोटो दे दो, तो वो पहले भी बोलते थे कि डैडी फ़ोटो देख के शादी मत कर देना, ऐसे बोलते थे। तो मैं बोली कि तो फोटो, मैं फिर हाइट पूछी कि हाइट कितनी होगी, तो वो शायद उसी 2-4 सेकंड के अंदर उससे लिए होंगे बायोडाटा, तो वो भेजे 5 फीट कुछ 3 इंच। तो मैं यहाँ ठीक है 3 इंच चलेगा, इतना छोटी नहीं है, तो मैं अपने से ही कंपेयर कर रही थी। तो मैं देखी भी नहीं थी उसको, और मैं बोली हाँ तू खुश है ना, तुम्हें पसंद है तो मैं भी खुश हूँ। पर उसने एक बात, एक लाइन बोला था कि ऐसा नहीं मम्मी, आपको अच्छा लगेगा तो हाँ बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मुझे बोले हैं, और आज मैं आज जिस सिचुएशन में हूँ, तो वो मैं काश बोलती हूँ कि काश मैं बोली होती तो मान जाते, मुझे पता होता तो मैं कुछ दिन के लिए डीले करती, मेरा बेटू मान जाता कि हाँ मम्मी बोल रही हैं, सगाई करके भी मैं छोड़ दी होती तो मेरा बेटा मुझे मेरी बात काट ही नहीं सकता था। अगर मैं बोल दूँ कि ये डैडी नहीं है तो बोलेगा हाँ डैडी नहीं है, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे था। मैं तो हर बच्चे के साथ हूँ, पर वो ऐसा था, उसका श्रेय जाता है कि वो ऐसा इंसान था कि ये हमारे लिए वो मिसाल बना है कि ऐसा बेटा था। ऐसा कुछ नहीं था, नहीं तो मैं अभी वही अफसोस कर रही हूँ कि कुछ दिन डिले कर रही होती। अभी इससे पहले मैं कभी सोची ही नहीं थी चक्रा मिलने से पहले कि ये दिमाग में आएगा, पर मैं यही सोचती थी कि वो तो अंशुमान ही है, अंशुमान का पसंद अंशुमान है। मैं यही सोचती थी कि उसको भी मैं अंशुमान जैसे ही उसको बनाऊंगी, वही यूनिफॉर्म पहना दूंगी, मेहनत करूंगी, उसके साथ भी बैठूंगी, दिन रात बैठ के उसको तैयारी कराऊंगी। मैं ये ख्वाब देख रही थी अंशुमान के जाने के बाद। और ये उसके चाचा भी मेरे को यही तसल्ली दे रहे थे कि आप इसको भी अंशुमान बनाना, वो आज भी आर्मी में भेजना। हाँ, मुझे जब अंशुमान नहीं रहे तो मैं जो दिमाग में आता है, जो कि मुझे पता नहीं था, अभी मेरा बेटा गोरखपुर पहुंचा नहीं था, तो उनके चाचा आए थे, स्मृति के चाचा आए थे, वो मुझे बता रहे थे कि इसको अंशुमान बनाना इसको, तो वो दिमाग में अभी भी है कि उन्होंने आज कहाँ हैं, एक बार पूछते कि शादी हुई, शादी के बाद फिर आपकी बहू यहाँ आई, फिर उसके बाद कैसे आप लोग के बीच में कैसे रिश्ते रहे, क्या रहा, फिर कब अंशुमान ड्यूटी पर वापस गए, फिर क्या हुआ?
अंशुमान आए थे, रजिस्ट्रेशन कराना था शादी का, शादी का जो कि उनके डॉक्यूमेंट में होता है, तो उसके लिए आए थे सियाचिन जाने से एक हफ्ता पहले। तो कब गए थे अंशुमान सियाचिन? मई में गए थे, मई में गए थे, और साथ में मैं भेजी बहू को। अच्छा, सियाचिन वो भी साथ में? लेह तक गई। अच्छा। मैं भेजी उनको और वो बोले मम्मी जाएगी थोड़ा वहाँ, मैं कि देख लो पहले पता कर लो। मैं वो हूँ कि 2 महीना शादी से पहले दोनों के पास फोन करके मैं बोली एक दिन छुट्टी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हैं, एक दिन भी छुट्टी वेस्ट ना हो, तुम पूरा छुट्टी एंजॉय करोगे, हनीमून कहाँ जा, हनीमून का शब्द नहीं इस्तेमाल की, मैं कहीं घूमने जाना है टिकट करा लो। तो अंशुमान थोड़ा हिचके बोले हाँ ठीक है मम्मी ठीक है, ऐसे बोले। तो फिर मैं सोची वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, तो मैं स्मृति के पास फ़ोन की, मैं कि तुम दोनों डिसाइड करो, डिस्कस करो कि कहाँ जाना है, वहाँ का टिकट ले लो, मैं नहीं चाहती 12 को लखनऊ पहुँचो और 2 दिन के अंदर तुम चले जाओ घूमने जहाँ भी जाना है। 12 फरवरी को लखनऊ आने के बाद? आने के बाद। तो उन्होंने 16 को कराए थे। कहाँ गए थे? तो अभी कहाँ कहाँ गए, बैंकॉक गए। अच्छा, फिर उसके बाद? अच्छा, वो सियाचिन वापस मई में गए अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद? नहीं नहीं, वो बैंकॉक से आने के बाद वो मार्च में 1 तारीख को अपनी यूनिट चले गए थे यहाँ बालनोई। अच्छा। वहाँ से 7 मई को या उसके आसपास में निकले, फिर आए एक हफ्ता, और उसके बाद वो गए वहाँ पे। तो वहाँ ऊपर पहुँचने के लिए डायरेक्ट कोई वहाँ नहीं पहुँच जाता है, नीचे फेज़ वाइज जाते हैं, एक्लेमेटाइजेशन होता है, उसके बाद उनकी मेडिकल होगी, तब वो पहुँचे थे। फाइनल एक ट्रेनिंग के बाद वो 9 जुलाई को उस पोस्ट पे पहुँचे थे, सेंट्रल ग्लेशियर के चंदन पोस्ट पे। और 19 जुलाई को। अच्छा, आप लोग को इस घटना के बारे में 19 जुलाई को जब ये घटना हुई कैसे पता चला, किसने फ़ोन किया? रात को 12:30 बजे तक हमारे साथ कुछ ITR दाखिल करा रहे थे, सुबह हमारी बहू ने भी फ़ोन किया था 19 को कि अपा वहाँ पर आग लग गया है और उसमें ये भी जख्मी है। मैंने अपने जो कुछ लोग थे उनसे बात किया और आर्मी चैनल में एक्सचेंज से बात किया, फ़ोन वहाँ था नहीं, तो पता चला कि हाँ घटना हुई है और ये भी उसमें इंजर्ड हैं, चंडीगढ़ आ रहे हैं। हमने अपना टिकट बुक किया चंडीगढ़ जाने का, लेकिन फिर बताया गया नहीं चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो रात को हो चुका था। ये तो बचाने में गए शेल्टर में गए थे तो ये निकले ही नहीं बाहर, 100% बर्न हो गए थे। तो ऐसा कुछ था नहीं कि इनका कोई रेस्क्यू हुआ हो, इनको इवैक्यूएट करके लाना पड़ा हो। तो उस कंडीशन में मुझे फिर 11 बजे बताया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और फिर मैंने अपनी बहू को और बेटी को कहा कि नोएडा से तुम लोग तत्काल पकड़ो, और पकड़ करके वो कैब करके और लखनऊ आ गए शाम तक। बाकी इनके माता पिता भी शाम तक लखनऊ आ गए थे, और फिर उसके बाद हम लोग वेट करते रहे। फिर रात को हम यहाँ से 12 बजे निकले थे, सुबह गोरखपुर पहुँच गए, 20 को उनकी नहीं आ पाई जो अस्थि है, तो 21 को आई थी, और 21 को फिर पूरे रस्म व रिवाज के साथ हमने किया, और उसके बाद 13 तक जो साथ रहे हो तो कहानी आपको बता दिया। वो उसके बाद आप लोग के साथ वहीं आपके घर, हमारे घर रही और पूरे रस्म और रिवाज को निभाया, उनके माताजी भी रहे, उनके पिताजी चले गए थे। 2 तारीख को उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे भी कुछ करना चाहते हैं, हमने कहा बिल्कुल जाइए, लेकिन यहाँ का रिवाज आप ख़त्म कर लीजिए। तो 3 तारीख को रिवाज हमने पंडित से बुला के ख़त्म कराया, और 3 को रात को चली लखनऊ आई, और 4 को सुबह गई, और उसके बाद वो जा करके अपना सारा सामान वान पैक करके नोएडा से 4 को ही गुरदासपुर पहुँच गई थी शाम तक 5-6 बजे तक। इसके बाद 4 अगस्त के बाद और अभी जब कीर्ति चक्र मिला, इस दौरान आप लोग के बीच में कोई संवाद रहा, आपने किस तरीके से वहाँ बात करने की कोशिश की, उन्होंने किस तरीके से आपके साथ? संवाद तो सीधा सा, ये एक मीडिया है मोबाइल, उसमें ये उनसे फ़ोन पर भी बात करती थी, मैसेज भी करती थी। ये था कि धीरे धीरे उन्होंने मैसेज को ग्रेजुअली कम किया कि 4-4 बार मैसेज के बाद कोई रिप्लाई करना, हमारे से तो उनके पिता कभी बात करते नहीं, मैं ही फ़ोन करता था उनको, मैं कई बार कोशिश किया लेकिन वो फिर बात नहीं करते थे। तो हमने बोला क्यों बात नहीं कर रहे हैं, बोला मैसेज दे दीजिए, हमारा फ़ोन ख़राब है। फिर मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो गया, फिर बोला कि हम लोग उससे बात ही नहीं करते हैं, हम पुरानी लाइफ को भूल जाना चाहते हैं, आप भी भूल जाइए, उसको ये मत पूछिए कहाँ है कैसी है क्यों है। मैंने कहा हम समाज के हिस्सा हैं और हमारी सामाजिक मर्यादा है, मेरी बहू है तो जानना मेरा अधिकार है कि कैसी है, उसका फ्यूचर उसका कैरियर उसका डिसीजन उसका है, बट उसके भविष्य के बारे में या उसकी वर्तमान के बारे में मैं तो जानने का हक रखता हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कहाँ है तो मैं क्या बताऊँ। तो बोले हम समाज को कुछ नहीं जानते। तब भी मैंने सोचा चलिए अभी थोड़ी स्टेबल है, इनस्टेबल है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब 26 जनवरी को कीर्ति चक्रा मिला, और 26 जनवरी को कीर्ति चक्रा मिलने के बाद इन्होंने फ़ोन किया और वो कही कि हम आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने नंबर बंद कर दिया, और 1 फरवरी को पूजन में नहीं आए, तब हमें लगा कि नहीं अब इनके जो है रास्ते अलग हो गए हैं और ये अब आएंगे नहीं। तब मैं मिलने के लिए गया, और मिलने के लिए गया तब भी वही बातें कि नहीं थोड़ा सा समय चाहिए, मतलब आपको कौन सा। तब मुलाकात नहीं, जब आप वहाँ मिलने गए उनके यहाँ तब वही मुलाकात? बिल्कुल, तब तो हम पंजाब के सेक्रेटरी से अप्रोच करके गए थे और उनके ADC से बात करके गए, तो आए थे वो गेस्ट रूम में,
दो दिन आए और बातचीत हुई, तो हमने वहाँ पे कहा था कि देखिए जो चक्रा है अगर आप मुनासिब समझें तो इनकी माँ को ग्रहण करने दें, पैसा आप ले जाइए, हमें पैसे से कोई पैसा चाहिए ना आपसे, पैसे का है क्योंकि आपने तो सामान भी नहीं लिया उनका कहीं का भी, पैसा आप ले जाएं, लेकिन ये चक्रा जिस माँ ने बहादुर बनाया उसका क्यों ऐसी थोड़ा दिल विदीर्ण हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा अधिकार है और जो अधिकार सरकार देगी अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो मैं बोला तो माँ बाप के क्या अधिकार हैं, केवल पत्नी का ही 5 महीने में, तो बोला आप ये सरकार से पूछिए। ये कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, उसके बाद वो तो हमने बोला कि तब मैं इस किस गलतफहमी में जीऊँ, आप 2 साल कह रहे हैं कि 3 साल ये स्टेबल हो, उसके बाद यहाँ से विदेश जाएंगे जो अभी प्लान कर रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि हम दोनों आदमी आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरी बहू विदेश कब चली गई। तो निर्णय जब मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन हम एक पारिवारिक स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमारा एक कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप देखिए आप बाजार में एक सब्जी खरीदने जाते हैं और अगर आपकी पत्नी कहती है कि आलू लेके आइएगा और आप टमाटर लेके आते हो, वो भी पूछते हैं टमाटर हमने कहा नहीं था। एक साधारण सा परिवेश है जो लोग जीते हैं, तो एक छोटा या बड़ा होता है वो जब टेबल टॉक में हम बैठते हैं सारी चीज़ें होती हैं, परिवार में स्वस्थ परंपरा का निर्वाह तब होता है जब छोटी बड़ी चीज़ों पे डिस्कस हो और तब वो अगर कोई निर्णय निकल के आता है तो वो एक अच्छा निर्णय होता है। आपने कई बार कीर्ति से स्मृति से या उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो सही एक संवाद होना चाहिए था वो आप कह रहे हैं संवाद नहीं हुआ और सिंगल एंडेड हुआ। बस उन्होंने ये कहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए और कुछ चीज़ें थी जिनका कंसेंट उन्होंने दिया और कुछ भी नहीं था। अच्छा ये बताइए, अभी फिर 5 जुलाई को आपके बेटे के शौर्य गाथा कारण उनको कीर्ति चक्र मिला, आपकी बहू और आपकी पत्नी दोनों वहाँ गए, उसके बाद फिर अभी जो नेक्स्ट ऑफ किन को लेकर के जो एक विवाद शुरू हुआ है, या आप अपनी बात उसको लेकर के रखना चाहते हैं, वो क्या विवाद है, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या पक्ष? नेक्स्ट ऑफ किन में ये कम्प्लीट डिटेल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि नेक्स्ट ऑफ किन किस दशा में क्या होगा, क्योंकि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट ऑफ किन में केवल पत्नी ही नहीं होती, जैसे ये होता है कि अगर आप 9,500 रुपया पर मंथ कोई पाता है तो वो डिपेंडेंट में नहीं आता, तो किसी के परिवार का 9,500 रुपये में खर्चा चल जाएगा और किसी के सिंगल आदमी को 1.5 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी सी मैं बहुत लोगों को देखा जो कि यहाँ पे रोड पे घूम रहे हैं और उनकी बहुएं कार से चल रहे हैं इसी नेक्स्ट ऑफ किन के दुष्परिणाम के कारण। और अगर नेक्स्ट ऑफ किन का कुछ एक ट्रांसपेरेंट होता सिस्टमेटिक तो शायद ये रेप्लिका अगर को रेसिपेंट दोनों हैं तो दो दीजिए, जब आपको पता चल जाए या कुछ हो रहा है कि इनके परिवारों में विवाद है तो दोनों आदमी संतुष्ट रहें और दोनों के पास रहे। मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट ऑफ किन का जो है एक स्वस्थ परंपरा में और इस पर खूब डिबेट होकर के और दोनों परिवारों को यानी माँ बाप को भी और पत्नी को भी दोनों परिवार मतलब इन तीनों को ये सर्वग्राह हो और सर्वमान्य हो कुछ ऐसा निर्धारण होना चाहिए। अगर पत्नी किसी केस में अपना ससुराल छोड़ देती है तो दोनों परिवारों को कम से कम उस जो शौर्य के लिए जो कीर्ति चक्र मिला है या इस तरीके की कोई भी चीज अगर मिलती है तो वो दोनों परिवार अगर 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 पत्नी परिवार में रहती है तो भी ऐसा मिलेगा, तो दोनों का एक अटैक एक बाउंड रहेगा कि एक दूसरे की इज्जत करेंगे, वरना एक के पास अगर पैसा आ गया तो उस दूसरे को मतलब ये समझिए कि अंतिम समय में शरणार्थी शिविर में जाने की बात आ जाती है। तो दोनों के पास एक दूसरे का देखिए आदमी जुड़ता तीन ही चीज़ से, अभाव से, स्वभाव से, प्रभाव से। तो कुछ होना चाहिए, अगर किसी का स्वभाव खराब है तो अभाव से जुड़े, अभाव भी नहीं है तो प्रभाव से जुड़े। तो इस तरीके से लगाव के लिए वो होना चाहिए। अब एक परिवार में है तो फिर तो चाहे माँ बाप का पैसा हो चाहे बेटे का या बहू का सब कुछ एक ही है, जब अलग हो गए तब कुछ होनी चाहिए। तो क्या जो पैसों को लेकर के भी कुछ विषय है कि क्या पैसों में भी नेक्स्ट ऑफ किन में जो गाइडलाइंस? पैसों को लेके हमारा अभी कोई विवाद नहीं है, ना मुझे पैसों का कोई विवाद है, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मैंने कभी भी कहा। मैं तो सरकार को भी ये कहा था कि अब मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ पर भी बताया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सबको कि मैं एक फाउंडेशन बना रहा हूँ, कैप्टन अंशुमान सिंह फाउंडेशन, जिसमें या तो मैं कोई कॉलेज खोलूँगा या कोई हॉस्पिटल जिसमें मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। मैंने अपने बेटे के इसमें एक दिन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया था जब मेरा डिलीवरी था, कई बार छुट्टी आया था। तो वो मेरा एक मंतव्य है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन परिवारों को जिन परिवारों का ये दंश झेलना पड़ेगा, अगर वो परिवार इससे लाभान्वित होते हैं उनके जीवन में कुछ थोड़ी सी बाकी परिवारों के लिए जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो एक्सग्रेशिया अमाउंट मिलता है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, ये आपकी मांग है? बिल्कुल होना चाहिए, जब ये नोके पे एक डिस्कशन होगा तो ये बात उठ के आएगी और इस पे होना चाहिए। आज के मानक के अनुरूप मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या मानक है, कितना परिवार को, कितना पत्नी को मिलता है, कितना मांग? आज के मानक के अनुसार जो एक्सग्रेशिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार में 70% और 30% का है, जो कि हमको 15 लाख माँ बाप को और 35 लाख उनको 21 जुलाई को ही पेड हो गया था। और जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा है वो एज पर विल, अगर विल में 100% पत्नी का है तो 100%, लेकिन उसको 99 के बाद 67-33 मैंडेटरी कर दिया गया था, तो उसके हिसाब से। और अगर शादी 1 साल से कम है और बच्चे नहीं है तो फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 56 के तहत ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसमें दिखा जाता है कि टीयर 1 में कौन डिपेंडेंट है, टीयर 2 में कौन है, और उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद जितने पैसे हैं वो सारे पैसे जब वो
ऑफिसर या जवान अपना मैरिज डिक्लेयर करता है तो उसमें वो साइन करता है और कहता है कि किसको मिले, जैसे आपका फैमिली पेंशन हो गया, उसकी ग्रेचुटी हो गई, उसका लीव इनकेसमेंट हो गया, या उसको कम्यूटेशन का हो गया, एजीआई की मैच्योरिटी हो गई, या ये एक्स ग्रेसिया जो अवार्ड का है, ये सब एनओके को ही देने का प्रावधान अब तक है। तो आप इसमें कुछ परिवर्तन आप क्या चाहते हैं, किस तरीके के परिवर्तन हो जिससे सब कुछ समानता बनी रहे, सबके लिए बैलेंस? मैं बिल्कुल चाहता हूँ, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने 50-50% किया, या आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का 50-50% का है, या यूपी सरकार का जो है 70-30 का है, इसी तरीके से कुछ बातचीत करके रेशनल तरीके से इसको ये कंप्रेहेंसिव कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ परिवर्तन होने चाहिए। उनकी माँ से भी एक बार हम समझेंगे। मैम, जिस तरीके से अब आप उस दिन गई, आपने जब कीर्ति चक्र के समय आप साथ में थी, फिर उसके बाद क्या उस दौरान या उसके बाद आपकी अपनी बहू से कोई बातचीत हुई या उसके बाद कुछ बातचीत? नहीं, बिल्कुल बात नहीं हुई। वो बात ही नहीं की तो मैं भी बात नहीं की, क्योंकि मैं देख रही थी कि वो बात करे तो मैं करूँ, नहीं तो क्या होता है कि वो सोचेगी कि मुझे फोर्स कर रही हैं बात करने के लिए, और पहले से ही ये था कि वो मुझे बंद कर चुकी थी, तो मैं कैसे जाऊं? तो पहल उन्हीं को करना था। मतलब सिर्फ तस्वीर में आप साथ दिखे, पर कोई तस्वीर है, तस्वीर है, और मैं तो तस्वीर में भी हूँ, पर फादर तो तस्वीर में भी नहीं है, जो इतना बड़ा बेटा को सम्मान मिला है। मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उसका बयां कर सकूं, बस महसूस कर रही हूँ कि शब्द उससे बड़ा नहीं है जो सम्मान उनको मिला है। अब तो वो जो कीर्ति चक्र है आपकी बहू के पास है, क्या चाहती हैं, किस तरीके से अपने बेटे के शौर्य गाथा को आप, जो कि आपने सब कुछ देखा है, क्या चाहती हैं? अगर वो चाहे तो टच में रहें, और कहीं ज़रूरत पड़े तो लेके आ जाएं और अपना फिर लेके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही चाहूँ, छूना महसूस करना, छूना महसूस करेंगे, जो अभी इतने सारे अंशुमान के लिए आ रहे हैं, उन उस बीच में हम दिखाना चाहेंगे कि मेरे बेटा को ये मिला है जो करके गया है। और मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, हर जगह नहीं आदमी रो सकता, लेकिन माँ हूँ, दर्द आ जाता है। मैं तो चाहूँगी कि वो रहता तो वो मिलता तो शायद और बेहतर होता। मैं चाहे उसका सांस ही चलता रहता, मैं उसको संभालती जब तक मेरी सांस रहती। उतना बड़ा तो की थी ना मैं, तो मैं आगे भी करती। तो बिल्कुल, तो ये अंशुमान सिंह के परिवार को आपने सुना, उनका दर्द आपने सुना, अंशुमान सिंह किस तरीके से एक परिवार ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके बाद जब बेटा किस तरीके से देश के लिए जाबाज तौर पर उसने अपनी जान दे दी, या एक तरीके से शहीद हो गया, और अब उसके बाद जो उसकी शौर्य गाथा है, उसके जो उसको लेकर के जो कीर्ति चक्र मिला है, अब परिवार उसको छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, पर उसके हाथ खाली हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।